Welcome to this presentation on IV therapy. In medical field, ऑन आईवी to इन मेडिकल adjust टू प्रिपेयर एंड एडजस्ट आईवी for पेशेंट केयर सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स जस्ट डाइव dive into today's टॉपिक सबसे पहले हम देखेंगे कि इंट्रावीनस फ्लूइड्स कितने प्रकार के होते हैं तीन प्रकार के होते हैं ये सबसे पहला इंट्रावीनस इंट्राविन होता है रिप्लेसमेंट फ्लूड रिप्लेसमेंट फ्लू इसके एग्जाम्पल क्या है आइसोटोनिक सलाइन रिंगर रिंगरक्टेड सोल्यूशन नंबर टू मेंटेनेंस फ्लूड मतलब ये डेक्सट्रोज सोल्यूशन है और नंबर थ्री है स्पेशल फ्लूड जिसका एग्जाम्पल है द कंसेंट्रेटेड सोल्यूशन ऑफ ग्लूकोज एंड पोटेशियम क्लोराइड रिप्लेसमेंट मतलब रिप्लेस हो रहा है मेंटेनेंस मतलब मेंटेन हो रहा है स्पेशल मतलब स्पेशल कंडीशन में दिया जा रहा है रिप्लेसमेंट में हमने पढ़ा था 0.9 परसेंट सोडियम क्लोराइड दैट हैज अ सिमिलर ऑस्मोलैरिटी टू द ब्लड प्लाज्मा तो सबसे पहले इसकी खासियत क्या है इसकी खासियत यह है कि इसकी जो सिमिलैरिटी है वो ब्लड प्लाज्मा से क्यों है क्योंकि 0.9 नाइन परसेंट एनएससीएल

ये रिंगर लैक्टेट सोल्यूशन बनाया था इसके अंदर सोडियम क्लोराइड की जगह सोडियम लैक्टेट था और ये सोडियम लैक्टेट ज्यादा अच्छा था एसिडोसिस को ट्रीट करने के लिए जबकि रिंगर सॉल्यूशन में बाइकार्बोनेट कार्बोनेट था तो रिंगर लैक्टेट इज द सेम एज हार्टमैन सोल्यूशन लैक्टेट इज अ रिप्लेसमेंट फ्लूड आइसोटोनिक सलाइन इज अ रिप्लेसमेंट फ्लूड इवन 5% डेक्सट्रोस एंड 0.9% सलाइन

आप ये देख पा रहे हो कि सबसे पहले आइसोटोनिक आइसोटोनिक्राम्रेड एम एल है जो भी परसेंट है उसका मतलब है इन हंड्रेड एम एल उसका फार्माकोलॉजिकल इंडिकेशन है टू इंक्रीज द इंट्रावेस्कुलर वॉल्यूम और इंडिकेशन के अंदर आएगा डिहाइड्रेशन ड्यू टू डायरिया और वॉमिटिंग और पर्स्पिरेशन

लैक्टेड मेटाबॉलिज्म से एसोसिएटेड एंड जैसे कि लिवर डिजीजेस लिवर डिजीजेस के अंदर जहां पे लिवर डैमेज है वहां पर हमारे को रिंगर लैक्टेट नहीं देना है कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है इट इज कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन दोज कंडीशन तो रैपिड करेक्शन ऑफ सीवियर हाइपोवॉल्यूम में ये बहुत अच्छे से काम में आएगा एसिडोसिस लाइक डायरिया में इसको प्रेफर किया जाएगा वहीं पे कंट्रास्ट होगा 5% परसेंट डेक्सट्रोस का जो कि आप डायबिटिक्स केस में नहीं दोगे के केस में नहीं दोगे, के के दोगे शॉक में ये रादर इसको बढ़ा देगा क्योंकि इसके अंदर सिर्फ 5% परसेंट डेक्सट्रोज है इंट्रा डिहाइड्रेशन करे करने के लिए ये काम में आ जाता है जो कि इन एडुकेट वॉटर इंटेक्ट में फाइव परसेंट तो विद दिस इन माइंड दिस डेल्ट इन मोर डिटेल इन की क्लास में हम बेसिकली प्रोसीजर के बारे में बात करेंगे तो विद दैट क्विक रिक्त फ्लू लेट्स मूव फर्दर बेनिफिट्स ऑफ आई थेरेपी अब आईवी थेरेपी है ये बहुत ही रैपिड थेरेपी है प्रेडिक्टेबल थेरेपी है सीधा आप दवा डाल रहे हो ब्लड के अंदर ब्लड के अंदर आ रही है और काम कर रही है तो रैपिड एंड प्रेडिक्टेबल जितनी दवा दे रहे हो उतनी ही आ रही है 100 होती है क्योंकि वो होती है जो जो कि 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 कितना ड्रग कि लिया उसी फॉर्म में वो सिस्टमिक सर्कुलेशन में पहुंचा तो लॉस हुआ नहीं है लॉस हुआ नहीं है इसका मतलब क्या है कि ये बहुत ही प्रडिक्टेबल रूट है दवा देने का फ्लूड देने का ओके हाई डोज दी जा सकती है बहुत ही इरिटेंट दवा दी जा सकती है लार्ज वॉल्यूम्स कम समय में दिया जा सकता है तो बहुत सारी कंडीशन में इनफैक्ट आप इन पेशेंट में देखोगे कि जनरली जितने भी मरीज हैं उन सब के अंदर आईवी फ्लू चल रहे होते हैं तो ये पर्टिकुलर स्किल एक ऑस्की स्किल स्टेशन की तरह भी आपके एग्जाम्स में रखी जाती है जो चीज बहुत अच्छी है बहुत जल्दी काम कर रही है ऐसा तो हो नहीं सकता उससे कोई रिस्क इन्वॉल्व नहीं हुआ रिस्क इन्वॉल्व है आईवी थेरेपी के साथ में और वो रिस्क क्या है इंफेक्शन होने का रिस्क है इंफेक्शन सीधा के सीधा ब्लड में अगर आप इंफेक्शन डाल रहे हो तो इंफेक्शन सीधा के सीधा आपकी बॉडी के अंदर आ रहा है और वो इंफेक्शन बहुत ही घातक साबित हो सकता है दूसरा दूसरा हो सकता है एलर्जिक रिएक्शन एलर्जिक रिएक्शन आईवी सेटिंग में होने की ज्यादा संभावना सम, uh, है एयर एम्बॉल ओवरलोड कैन बी डेंजरस वेरी डेंजरस वेन यू आर गिविंग सो आइडियलिस्टिक कंडीशन में एक चेकलिस्ट के मौजूद होने की तरफ से आपको uh, ये आईवी एडमिनिस्टर कराना है हर पेशेंट के लिए फ्लूड बैग फ्लूड बैग ये ऐसा दिखता है ठीक है इस फ्लूड ये कौन सा फ्लूड बैग है इसके अंदर ग्लूकोज फाइव परसेंट है एन एस पॉइंट नाइन परसेंट है मतलब ये एक डी है एक रिप्लेसमेंट फ्लूड है बिफोर सेटिंग अप यू हैव टू चेक द फ्लूड बैग केयरफुली जिसके अंदर आप देखोगे फ्लूड टाइप कैसा है सही इंडिकेशन के लिए ही देना है सही टाइप ऑफ फ्लूड ही देना है उसकी एक्सपायरी डेट डेट आपको चेक चेक करनी है एक्सपायरी करोगे तब आपको पता चलेगा कि हम आ, 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 कोई आ, जो ऑलरेडी खराब हो चुका है वो फ्लूड तो हम नहीं दे रहे हैं ज्यादा फायदा करने के बजाय नुकसान तो नहीं कर रहे हैं इंजेक्शन पोर्ट हम उसका चेक करेंगे स्पाइक पोर्ट हम उसका चेक करेंगे तो ये चेक हमारे को फ्लूड बैग पे करना होगा ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है अभी आपको बताया जाएगा आज की क्लास का सबसे इंपॉर्टेंट डायग्राम जो है वो यहां पे दिखाया जा रहा है आपको और ये डायग्राम है एक इन्फ्यूजन सेट का ये इन्फ्यूजन सेट क्या है ये इन्फ्यूजन सेट वो है जो कि आईवी फ्लूड देने के काम में आएगा जो कि फ्लूड कंटेनर या फिर सोल्यूशन कंटेनर से कनेक्ट करेगा आईवी कैन्यूला को और इस इन्फ्यूजन सेट को इस इन्फ्यूजन सेट को हम कहते हैं इन्फ्यूजन सेट वेंटेड जिसमें वेंट होगा उसके पार्ट्स देखते हैं ये स्पाइक है और ये स्पाइक की कवरिंग है ठीक है यहां से स्टार्ट कर दें स्पाइक ये स्पाइक है जो कि पियर्स करेगी आपके फ्लूड बैग के अंदर या सोलूशन कंटेनर के अंदर ये स्पाइक पोर्ट से जैसे कि आपने पिछली स्लाइड में देखा था ना स्लाइड पोर्ट के अंदर आपको इस स्पाइक को पियर्स करना है उसके बाद में क्या आ रहा है ये एयर वेंट ठीक है क्योंकि ये vented type of infusion set है। इसके नीचे ये drip chamber है। ये है। है? के अंदर जो हैं वो आएंगी, ठीक इसको usually आप half fill करोगे। ये ये है। के बाद में ये एक फिल्टर है छोटा सा अगर ये फिल्टर बड़ा होगा तो ये ब्लड ट्रांसफ्यूजन के काम में आएगा इन्फ्यूजन सेट इस इन्फ्यूजन सेट की अगर आप रैपर को देखोगे तो इसमें लिखा होगा कि नॉट टू बी यूज्ड इन ब्लड ट्रांसफ्यूजन ब्लड बैग के साथ में नहीं यूज करेंगे ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए एक अलग सेट आएगा जिसके अंदर फिल्टर थोड़ा बड़ा होगा क्यों क्योंकि ब्लड क्लॉट और डेबरिश नहीं जाना चाहिए बॉडी के अंदर इस वजह से ठीक है तो ड्रिप चैम्बर हमने देख लिया ड्रिप के अंदर यह छोटा सा सोल्यूशन फिल्टर है इसके बाद में एक पीवीसी ट्यूब है बहुत लंबी सी ट्यूब है और इस ट्यूब के बीचों बीच एक फ्लो रेगुलेटर है इसको कोई लोग फ्लो रेगुलेटर बोलते हैं कुछ एक लोग इसको रोलर क्लैंप बोलते हैं तो मतलब इसके अंदर एक क्लैंप है जिससे फ्लो को रेगुलेट कर सकते हैं अगर इसको नीचे लेकर आओगे तो ट्यूब दब जाएगी ये बंद हो जाएगा अगर इसको ऊपर लेकर क्लैम्प को तो ट्यूब खुल जाएगी ओके तो ऐसे आपको एडजस्ट करना है एडजस्ट करना है आईवी ड्रिप की रेट को फ्लो को रेगुलेट करना है ताकि सही फ्लो जा सके ओके तो ये रोलर क्रैम्प है या फिर फ्लो रेगुलेटर है इससे ये आएगा ये निकल के घूम के आए ये जो ट्यूब है पीवीसी ट्यूब है ये यहां पे लास्ट में कनेक्टर पे आएगी कनेक्टर के आगे नीडल लगी हुई है इस नीडल को हटाओगे इस कनेक्टर को आप लगा दोगे सीधा आईवी कैनुला में आज की क्लास में हम आईवी कैनुला को लगाना नहीं सिखाएंगे वेने पंचर करना नहीं सिखाएंगे हम सिर्फ सिखाएंगे कि हाउ टू सेटअप एन आईवी ड्रिप आज की कॉम्पिटेंसी यही है और सबसे महत्वपूर्ण कॉम्पिटेंसी ये है क्योंकि आईवी ड्रिप सेट करना आना ही चाहिए आपको इन पेशेंट में आप देते ही हो और बहुत सारी कंडीशन में ये बहुत जरूरी हो जाती है यहां पे ये कनेक्टर के साथ में एक इंजेक्शन साइट भी है इस पर्टिकुलर टाइप ऑफ इंफ्यूजन साइट के अंदर आप इंजेक्शन यहां से भी दे सकते हो यूजली क्या होता है आईवी कैन्यूला जो होता है उसके अंदर तीन वेल्व होते हैं तो वहां पे भी आप इंजेक्शन दे सकते हो अगर वैसा आईवी कैनुला आपके पास में नहीं है डायरेक्टली आपने आईवी सेट यूज किया तो इंजेक्शन यहां पे भी दे सकता है इंजेक्शन गिविंग टेक्निक भी बाद की कॉम्पिटेंसी में आएगी आज की कॉम्पिटेंसी में आज का सबसे महत्वपूर्ण डायग्राम ये है एक इन्फ्यूजन सेट का डायग्राम है इन्फ्यूजन सेट जब आपके पास में आता है तब आप उसको खोलते हो और उसमें से देखते हो कि ये स्पाइक पोर्ट है ये जाएगा सीधा फ्लूड बैग में या सोल्यूशन कंटेनर में उसके बाद में आपको ड्रिप चेंबर नजर आएगा उसके नीचे ट्यूब नजर आएगी उसके बाद फ्लो रेगुलेटर नजर आएगा जिसको आपको क्लोज रखना है पहले और उसके बाद में ये कनेक्टर होगा इस नीडल को ध्यान से रखना कहीं आपके लग ना जाए मैंने कहा था कि एक चेकलिस्ट होती है ठीक है एक चेकलिस्ट के माध्यम से जो भी काम होता है वो रिपीटेडली सेम एक्सपर्टीज के साथ में किया जा सकता है एक एग्जांपल देता हूं मैं आपको क्या एग्जांपल देता हूँ कि आ, आप एयर ट्रेवल करते हो सिर्फ दो पायलट हैं, ठीक है थीके? एक मेन पायलट है एक को पायलट उसका असिस्टेंट उन दोनों पायलट वो बैठे हैं और प्लेन उड़ा रहे हैं, बाकी सारे पैसेंजर्स ने अपनी सारी लाइफ उनके हाथ में रखी है ओके, एंड एयर इज़ द मोड ऑफ़ क्योंकि बार बार हर एयरपोर्ट से हर एयरलाइन एक एयरपोर्ट से दूसरे एयरपोर्ट बड़े सेफली लैंड भी कर जाती है ठीक है बड़े सेफली वेरी प्रिडिक्टेबल टेक ऑफ भी कर लेती है और उनको सारी कंडीशंस मैनेज करना आता है ऐसा क्यों होता है क्योंकि उनके पास में एक चेक लिस्ट होती है बिफोर टेक ऑफ इवन बिफोर प्लानिंग जर्नी देयर इज चेकलिस्ट से वो काम करते हैं ये डन 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 तो पायलट कोई भी हो एयरलाइन कोई भी हो देश कोई भी हो सिटी कोई भी हो वहां पे उनके पास में वो चेकलिस्ट मौजूद है तो हमारे पास भी एक चेकलिस्ट ऐसी दी जा रही है ठीक है और वैसे ये ऑब्जेक्टिव स्ट्रक्चर्ड क्लिनिकल एग्जामिनेशन में भी ये चेकलिस्ट काम में आती हैं आपको ये पढ़ाया गया है प्रोसीजर ये चेकलिस्ट है और इसी से हम आपको असेस कर रहे हैं तो इस चेकलिस्ट के अंदर कुछ एक पार्ट्स होते हैं कुछ एक स्टेप्स होते हैं जो अगर आपका मेडिकल स्टूडेंट कर रहा है तो उसको टिक किया जाता है और उसके मार्क्स होते हैं तो ऐसे ही आईवी प्रोसीजर के अंदर हमारे पास में एक चेकलिस्ट है और आज की क्लास में ये चेकलिस्ट आपको मास्टर करनी है आपको मास्टर करनी है मास्टर कैसे करोगे कि सबसे पहले आपको सिखाया जाएगा कि आईवी ड्रिप थेरेपी का प्रोसीजर में फर्स्ट स्टेप फर्स्ट स्टेप इज ग्रीट एंड वेरीफाई फॉर लॉट ऑफ यू दिस वुड कम एज अ सरप्राइज कि इवन ग्रीटिंग इज अ पार्ट ऑफ द चेकलिस्ट एंड इट इज अ पार्ट ऑफ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ चेफ लिज लेटमी टेल यू द डिफरेंस बिटवीन अ गुड डॉक्टर इज एन अ ग्रेट डॉक्टर इज द ग्रेट डॉक्टर कनेक्ट टू पेशेंट हिज और हर पेशेंट ब्रादर पेशेंट उसमें डॉक्टर में भगवान को देखता है और भगवान को देखता है इसका मतलब यह है कि अगर डॉक्टर आके ग्रीट करता है पेशेंट को तो उसका ट्रस्ट उस डॉक्टर में पहले तो था ही और बढ़ जाता है ओके okay. तो फर्स्ट है ग्रीट एंड वेरीफाई ग्रीट करना है नमस्ते हेलो हाउ आर यू कितना एक सेकंड लगा लेकिन करना है वेरीफाई क्या करना है वेरीफाई करना है उसकी डिटेल्स डिटेल्स कैसे वेरीफाई होती है डिटेल्स कैसे वेरीफाई होती है अच्छा आप अरुण हो अब अरुण तो एक से ज्यादा भी हो सकते हैं या आप सुनील हो आप आशीष हो हाई हाँ, 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 आशीष हाउ आर यू हाई अरुण हाउ आर यू वट इफ द नेम्स आर सिमिलर देर इज इन अरुण इन स्टेड ऑफ अरुण तो क्या होगा तो गलत पेशेंट को वो प्रोसीजर होने का खतरा बढ़ जाएगा और वो उस पेशेंट के लिए शायद घातक भी साबित हो सकता है और आपके लिए मुसीबत हो सकती है ऐसी चीज ना हो तो आपको यह करना है कि हेलो आशीष आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है चेक 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 ओके फिर आस्क फॉर एनी एलर्जीज और कॉन्ट्रा इंडिकेशन तो पहला चेकलिस्ट स्टेप वन इज ग्रीट एंड वेरीफाई हेलो हाय आशीष हाउ आर यू आपकी डेट ऑफ बर्थ बताओगे आशीष क्या है ओके एट्थ में 1980, ओके okay. आपको कोई एलर्जी तो नहीं है कोई कॉन्ट्रा इंडिकेशन तो नहीं है ठीक है नेक्स्ट आपने अपना स्टेप वन चेक कर लिया स्टेप क्या है इन्फॉर्म एंड इंस्पेक्ट इन एंड इंस्पेक्ट द पेशेंट एंड इंस्पेक्ट द दल्यूशन कंटेनर और द फ्लूड बैग इंफॉर्म क्या करना है इंफॉर्म करना है आपको जाते ही पेशेंट को प्रोसीजर स्टार्ट नहीं करना है आपने ग्रीट कर लिया वेरीफाई कर लिया अब उसको इन्फॉर्म करोगे कि मैं आप के ऊपर यह प्रोसीजर करने वाला हूं मैं एक विनी पंचर के दे आईवी कैनुला डाल के ये फ्लूड आप के आईवी थेरेपी के माध्यम से देना चाहूंगा जिसके बेनिफिट जिसके रिस्क पूरा प्रोसेस उसको समझाया जाएगा फिर उससे इंफॉर्म्ड कंसेंट ली जाएगी क्या आप इसकी इंफॉर्म्ड कंसेंट देते हो इसकी कंसेंट देते हो इसकी सहमति देते हो कि मेरे पे यह प्रोसीजर किया जा रहा है और इसमें मेरी सहमति है मैंने सब कुछ समझ लिया है और यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है एनी प्रोसीजर एनी प्रोसीजर स्किल देर इज एन इमेंस वैल्यू दैट इजेस एसोसिएटेड विद द टेकिंग ऑफ द कंसेंट एंड द राइट प्रोसेस टू टेक द इंफॉर्म कंसेंट और उसका डॉक्यूमेंटेशन भी जरूरी है और ये सारी चीजें आपको मेडिकल स्कूल के सेकेंड ईयर से सिखाई जाती हैं आपकी क्लिनिक स्टार्ट हो चुकी है इंफॉर्म कंसेंट इज वन ऑफ द एरियाज जिसकी इंपॉर्टेंस अब बहुत निकल के आई है आपको लेटर ऑन दूसरी क्लास में इसके बारे में और डिटेल में बताया जाएगा तो इन्फॉर्म कंसेंट लेनी है उसके बाद में इंस्पेक्ट करना है ये बैग को बैग को किसके लिए इंस्पेक्ट करना है इंस्पेक्ट करना है कि कहीं इसमें से कोई लीक तो नहीं है लीक हो रहा होगा नहीं देना डिसकलरेशन तो नहीं है फ्लूड का कलर खराब हो गया नहीं देना है तीसरा कोई पार्टिकल्स तो नहीं है डिस्कार्ड कर दो कोई जरूरत नहीं है ऐसे बैग को देने की अगर यह ठीक लगता है फिर इसका हटाओ, और इसको स्टैंड पे ड्रिप स्टैंड पे लटका दो इस बैग को आप ड्रिप स्टैंड पे लटका दोगे इसके बाद में ओके इंफॉर्म किया इंस्पेक्ट किया ड्रिप स्टैंड पे लटका दिया तो ये कौन सी स्टेप था स्टेप टू

थर्ड स्टेप आज की क्लास में इस स्टेप को थोड़ा ध्यान से सुनना क्योंकि कनेक्ट एंड एडजस्ट नाम का यह स्टेप आपकी स्किल को इंप्रूव करने के काम में आएगा इन जस्ट टू मिनट्स योर स्किल विल इंप्रूव फ्रॉम 50 परसेंट टू 90 परसेंट okay. ओके कनेक्ट एंड एडजस्ट वॉट यू हैव टू कनेक्ट कनेक्ट दिस ये आपने देखा था पिछली क्लास में ये क्या था इन्फ्यूजन सेट इन्फ्यूजन सेट वेंटेड जिसका एक साइड था स्पाइक पोर्शन दूसरा साइड था कनेक्टर और बीच में ये क्या था फ्लो रेगुलेटर सबसे पहले क्या करना है आपको ये ब्रांड न्यू यूज करना है मतलब इसको टीयर ओपन द पाउच एंड टेक आउट अ फ्रेश इन्फ्यूजन सेट

ओके ड्रिप स्टैंड पे लगा हुआ है सोल्यूशन कंटेनर उसके नीचे आपने स्पाइक से इसको डाल दिया है ये डालने के बाद में यू हैव टू स्क्वीज द ड्रिप चेंबर सो दैट सोल्यूशन आधा फिल हो जाए आधा फिल हो जाए तो इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो ड्रॉप बाय ड्रॉप आपको नजर आएगा जो फ्लूड जो वेन में जाएगा वो ड्रॉप बाय ड्रॉप जाएगा तो फ्लो को आप रेगुलेट कर सकते हो तो ये ड्रिप चेंबर बना हुआ है यहां पे जिसके अंदर आपको दिखता रहता है ड्रॉप बाय ड्रॉप ड्रॉप बाय तो आधा बढ़ लो इसको आधा बढ़ने के बाद में नीचे आ जाओ ये नीडल प्रोटेक्टर को हटा दो अब ये कनेक्टर है ओके okay. अब आपको क्या करना है अब आपको ये करना है कि फ्लो रेगुलेटर को खोलना है नीचे बंद है फ्लो रेगुलेटर खोला इससे क्या होगा फ्लूड नीचे आएगा फ्लूड नीचे नीचे आएगा ग्रेविटी से उसको निकाल दो निकाल दो तो एयर बबल निकल जाएंगे अब उसको क्लोज कर दो क्लोज द फ्लो रेगुलेटर क्लोज द फ्लो रेगुलेटर क्योंकि अब नेक्स्ट स्टेप क्या है आपको विनी पंचर करना है नहीं पंजर करना है मतलब आईवी कैनुला लगाना है आईवी कैनुला लगाना एक सेपरेट स्किल सेट है लेकिन ये इसका फोर्थ स्टेप है हो सकता है पेशेंट में पहले से आईवी लगा लगाओ हम ये मान लेते हैं नेक्स्ट स्टेप आईवी कैनुला है नहीं है नहीं है तो लगाओ लगाओगे कैसे ये, ये आईवी कैनुला है आईवी कैनुला लगाने का एक सेट प्रोसेस है थीके? बहुत ज्यादा डिटेल में मैं नहीं जाता लेकिन मैं बता देता हूं कैनुला कहां लगेगा फोर हैंड पे 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 या हैंड, पे? फोराम पे या हैंड पे? ओके पेड़ी के पहले लगेगा क्लीन करके उसको बाँ... स्वाइप करोगे फिर होल्ड नीडल एट 15 टू 30 डिग्री 15 टू 30 डिग्री के अंदर वो को होल्ड करोगे और इंसर्ट करोगे वेन के अंदर क्विक थ्रस्ट

सेटिंग अप्रिप्रेट अब यह पाँच सौ एम एल का बैग था और कितना देना आपको 1000 तो से नहीं।, से नहीं पर्पस ही डिफीट हो जाएगा पर्पस डिफीट नहीं करना है हमें देना है एक लीटर का बैग या एक लीटर के पाँच सौ के दो बैग आठ घंटे के ड्यूरेशन में मतलब थाउजेंड एम आप दे रहे हो आठ घंटे में थाउजेंड एमएल इन एट आवर्स इज न बट वन टी फाइव एम एल इन वन आवर अब वन ट्वेंटी फाइव एम एल मेजर कैसे करोगे ड्रॉप बाई ड्रॉप कैसे मेजर करोगे वन ट्वेंटी फाइव एम एल परम्स टू टू एम एल पर मिनट वन ट्वेंटी फाइव को सिक्सटी से डिवाइड करो टू एम एल पर मिनट एक एम एल में एक एम एल में बीस ड्रॉप होती है बीस ड्रॉप ड्रॉप का लैटिन एब्रीवेशन होता है जी टी टी तो ट्वेंटी जी टी टी इन वन एम एल सो इफ यू गिव फोर्टी जी टी टी पर मिनट यू आर गिविंग टू एम एल पर मिनट तो फोर्टी ड्रॉप पर मिनट हमारे को काउंट करनी है ड्रिप है उसमें देखना है फ्लो रेगुलेटर से रेगुलेट करना है अब आप ड्रॉप बाय ड्रॉप काउंट कर रहे हो और सिक्सटी सेकंड्स है इसकी बजाय क्या कर सकते हो टेन सेकंड्स के लिए देखो और देखो कि टेन सेकंड्स में सात ड्रॉप्स के आसपास ड्रॉप्स आ गई हैं ड्रिप चेंबर में आधा फील्ड है ना सेवन ड्रॉप्स काउंट टिल टेन सेकेंड मतलब फोर्टी ड्रॉप पर मिनट मतलब टू एम एल पर मिनट मतलब ये फ्लूड बैग कब खाली होगा आठ घंटे में खाली होगा अगर एक लीटर का बैग है तो ये ड्रिप रेट को सेट करना बहुत ही असेंशियल स्किल है ऑप्टिमल पेशेंट केयर के लिए यू शुड अंडरस्टैंड दिस एंड इट इज वेरी बेसिक वेरी सिंपल दो नर्सिंग स्टाफ इज गोइंग टू डू दिस फॉर ऑल ऑफ योर पेशेंट बट यू आर यू हैव दरऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर पेशेंट वेदर आपका नर्सिंग स्टाफ है नहीं जानता है कैसे देना है आपको देखना है आपको गाइड करना है अंदाजे से नहीं देना है लास्ट एंड नॉट द लीस्ट देखो पांच स्टेप है पहला स्टेप क्या था यस थ्री टेन वेरीफाई दूसरा स्टेप क्या था इंफॉर्म एंड इंस्पेक्ट इन्फॉर्म द पेशेंट इंस्पेक्ट द ब्लड बैग तीसरा क्या था कनेक्ट एंड एडजस्ट कनेक्ट एंड एडजस्ट कनेक्ट क्या कर रहे हो कनेक्ट कर रहे हो आप इंफ्यूजन सेट को फ्लू uh, कंटेनर से या सॉल्यूशन कंटेनर से और उसी इन्फ्यूजन सेट के दूसरे कनेक्टर को आईवी कैन्यूला से तो फोर्थ स्टेप परफॉर्म अ स्टेपर पुट एन आईवी वी इफ इट इज नॉट देयर ऑलरेडी और फिफ्थ स्टेप यहां पे कहानी खत्म नहीं हुई है यहां से कहानी आपकी शुरू हुई है यू हैव टू मॉनिटर द पेशेंट एंड डॉक्यूमेंट व्हाट यू हैव डन डोंट फॉरगेट टू डू दिस आज सारा का सारा आजकल ऑनलाइन होता है सॉफ्टवेयर पे होता है ओके okay. तो जिस समय आप कर रहे हो उसी समय आपको डॉक्यूमेंट करना है हर प्रोसेस को और मॉनिटर करना है पेशेंट को आप सीधा जो, जो फ्लूड है वो सीधा या कोई मेडिकेशन है वो सीधा ब्लड के अंदर दे रहे हो डेंजरस हो सकती है

ठीक है इंक्लूडिंग क्या क्या इंक्लूड करोगे उसमें डेट कब टाइम कब दिया गया uh, क्या टाइप था क्या वॉल्यूम uh, था क्या रेट थी क्या साइड थी या फिर observations क्या आई यहां पे देख पा रहे हो फ्लेबाइटस हो रहा है आपको डॉक्यूमेंट करना है ग्रीट एंड वेरीफाई इन्फॉर्म एंड इंस्पेक्ट कनेक्ट एंड एडजस्ट परफॉर्म विन विनचर एंड मॉनिटर एंड डॉक्यूमेंट ये पांच उसकी चेकलिस्ट है टू प्रिवेंट कॉम्प्लिकेशन हैंड हाइजीन इज वेरी इंपॉर्टेंट आपने सर्जन को देखा होगा वो नॉर्मली भी हाथ धोते हैं तो हाथ भी धोएंगे और फोर आर्म्स भी धोएंगे हैंड हाइजीन इज वेरी प्रॉपर टेक अप्रोप्रियट कैरूल केयर फ्लुइड एडमिनिस्ट्रेशन अकॉर्डिंग टू द प्रिस्क्राइब रेट होना चाहिए हमेशा अंदाजे से नहीं होना चाहिए सो दिस कोट अप्रोप्रिएटली डिस्क्राइब द इंपोर्टेंस ऑफ फ्लूड बैलेंस फ्लूड बैलेंस होमियोस्टेसिस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है सर्कुलेटरी कोलैप्स नहीं होना चाहिए बैलेंस को रैपिड एंड प्रिज मेथड अगर आप चेकलिस्ट से दोगे तो आपका प्रोसिजन बढ़ जाएगा रिपीटेबिलिटी रिप्रोड्यूसिबिलिटी बढ़ जाएगी आप प्रॉपरली दे पाओगे मॉनिटर कर पाओगे पेशेंट को ठीक कर पाओगे Thank you for patience listening. Remember to stay committed and have a great day.